पृष्ठ संख्या 38, अध्याय 3, मुद्रा और साख। शिक्षक के लिए निर्देश। मुद्रा का अध्याय मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझें और परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है। भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है। इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाघान जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना जरूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में इस पर नजर डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख व्यवस्थाएं देखते हैं, इसलिए अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों के परिवेश से जुड़ी साख व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, खास तौर से गरीबों के लिए और यथोचित शर्तों पर। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नवीन प्रयास जैसे ग्रामीण बैंकों से विद्यार्थी अवगत हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। हमें यह लक्ष्य पाने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। खास तौर से विकासशील देशों के सामने यह एक सामाजिक चुनौती है। जानकारी के स्रोत। इस अध्याय में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक के साख संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिए गए हैं। अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण 2003 NSSO द्वारा संचालित रिपोर्ट संख्या 501 दिसंबर 2005। ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आंकड़े अखबारों और वेबसाइट से ली गई हैं। बैंक संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी खास बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों की वेबसाइट www.rbi.org पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों पर आंकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं www.nabard.org।